घटना पर नाबालिग दलित से गैंगरेप कांड पर सियासत के लिबास का रंग लगातार गहराता जा रहा है। शनिवार को मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में पीड़िता के परिवार से मिला। अयोध्या रेप कांड पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए। अखिलेश ने डीएनए जांच की मांग की तो शिवपाल यादव ने बीजेपी नेताओं के नाको टेस्ट की मांग कर सियासत की चिंगारी को और भड़का दिया है। अखिलेश ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा मेडिकल प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट संज्ञान लेकर पीड़िता को सुरक्षा दिला। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए अब न्यायालय की बात कर गुमराह कर रहे हैं। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों को दोषी को दंड पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए। पीड़ित के परिवार से मिले मंत्री नरेंद्र कश्यप से आज तक संवाददाता ने खास बातचीत की, वो भी सुनिए क्या कहा उन्होंने। आज परिवार से मिले हैं, क्या कुछ कहेंगे मंत्री? 12 साल की निषाद बच्ची के साथ दुर्दांत घटना हुई है, गैंग रेप हुआ है। उनकी माता से मिले, उनके माता के दर्द को समझाए, बेटी से मिलेंगे, अधिकारों से बात करेंगे, घटना कैसे हुई, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्या किया जाना बाकी है, ये सारी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे। इतना जरूर तय कर रहे हैं कि इस कांड का कोई भी दोषी बचेगा नहीं। डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने डीएनए की बात कही है, न्याय की बात कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी पार्टी का नेता इस घटना में मेन मुलजिम है, तो वो कम से कम हया करें और बच्ची के साथ खड़े भी ना हो तो बच्ची का उपवास भी ना उड़ाएं कम से। आज तक संवाददाता ने पीड़िता की मां से भी बात की, वो साफ साफ कह रही हैं कि इस पूरी घटना के लिए मोहित खान जिम्मेदार है। हमारे बेटे बैकरी खेत में गए काम करके लौट रहे, बैकरी से माँ कहीं ना मोहित तो राजू कहीं तोस ले जाओ, तोस का बहाना हुई हमारी बेटिया का बलात्कार कर। तो आप आरोप लगा रही हैं कि मोहित खान ही इस पूरी घटना के पीछे आरोपी है? हाँ, पूरा घटना मोहित खान। बेटिया ने आपको क्या बताया? बेटिया हमारे बताई से हम कहा फिर अपन दवा पाती कराओ, नहीं ठीक भाई तो फिर जाँच कराए तो थाना गए। तो पुलिस ने क्या कहा फिर? कार्रवाई करे, कार्रवाई की है। आपको आप पर दबाव भी क्या बनवाया गया था पार्टी नेताओं द्वारा? कुछ नहीं, सपा ने कोई दबाव नहीं बनवाया था? नहीं, ये खबर चली कि दबाव बनवाया गया पैसे देकर आपको चुप रहने। राशिद अखिलेश यादव के बयान पर जोरदार सियासत हो रही है। अखिलेश ने क्या कहा था पहले जरा आपको वो बताते हैं। अखिलेश ने कहा था कि डीएनए से इंसाफ हो सिर्फ आरोपों से नहीं, इसके अलावा उन्होंने कहा था कि पीड़िता को सुरक्षा मिले, अदालत संज्ञान ले। अखिलेश के इसी बयान पर अब सियासत सुलगती हुई नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश ने एक्स पर लिखा, डीएनए से इंसाफ हो केवल आरोप नहीं, पीड़िता को सुरक्षा मिले, अदालत संज्ञान ले, और इसी बात पर अब सियासत हो रही है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माधव प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार सच का पता लगाए। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो करेगा वो भुगतेगा। वहीं यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव आरोपियों को बचा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की जुबान क्यों नहीं खुल रही। अखिलेश यादव भले ही डीएनए जांच की बात कर रहे हो मगर उनकी ही पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहां जिसने घटना किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, कानून में जो कार्रवाई की गुंजाइश है सब करो, कोई इस तरह की घटना का कहीं से बचाव नहीं कर सकता। लेकिन अगर घटना कुछ हो और प्रचारित कुछ किया जाए तो मन में खोट है, दूसरी घटनाओं को छुपा दो और किसी घटना को उठा दो क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, उसका राजनीतिक फायदा लेना है। क्या घटना है, कैसे घटना है, ये तो जो आप परोस रहे हैं, जो सरकार के लोग बोल रहे हैं, वही तो दुनिया जान रही है।
अयोध्या में रेप कांड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी मुस्लिम है, इसलिए राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता इस पर कुछ नहीं बोल रहे। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिहुआ पर बोलना भी पाप जैसा लगता है, लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस पूरे मामले में एक्शन की। आरोपी के घर को गिरा दिया गया है, बेकरी को सील कर दिया गया है, संपत्तियों की जांच चल रही है, धमकी देने वालों पर केस दर्ज किया गया है। इस बीच मोहित के परिवार की महिलाएं कह रही हैं कि मोहित बेगुनाह है, उनको फंसाया जा रहा है। मौजूद है वहां जहां पर है मोहित खान समाजवादी पार्टी नेता का घर। ये घर आप देखिए समाजवादी पार्टी नेता का है, और यहां पर तमाम जो घर वाले हैं वो एकत्रित हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उनके मोहित खान के भतीजे हैं, क्या नाम है आपका भाई? भाई हैं आप, क्या नाम है? आफताब। आफताब, क्या देखते हैं पूरी कार्रवाई को आप, जो भी एक्शन कल हुआ है, जो भी आरोप लगे हैं? तो गलत हो रहा है, आप उसकी डीएनए टेस्ट करवाइए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, और जो गलत है दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए, बस सिर्फ बस हमारा ये मांग है। और बिना रिपोर्ट के हम लोग को घर गिराया जा रहा है, नहीं बैकरी गिरा दी उसको, ये हम लोग बुलडोजर भी चला दे रहे हैं, बस ये हमारी मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और डीएनए टेस्ट की मांग है। और कौन आप परिवार से हैं? मैं इनकी वाइफ हूँ। अच्छा सर, हम लोग डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होके होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए सर, ये नाजायज हो रहा है, सरासर गलत हो रहा है। अयोध्या में अभी और एक्शन की तैयारी है। मोहित खान का एक बड़े कॉम्प्लेक्स से भी कनेक्शन बताया जा रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स की जांच भी की जा रही है, और कभी भी बुलडोजर चल सकता है। डर के मारे दुकानदारों ने दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामले में प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसकी अवैध जो भी प्रॉपर्टी है उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ये जो टू स्टोरी कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम दुकानें हैं, सरकारी बैंक की शाखा तक है, लेकिन इन सभी को नोटिस प्रशासन द्वारा कल दिया गया है। और ये देखिए तमाम बेकरीज यहाँ पर हैं, उन पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये निरीक्षण को लेकर जानकारी यहाँ पर दी है, जो सहायक आयुक्त हैं या जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उन्होंने नोटिस लिखी है, और ये सारी ही दुकानें खाली करने के आदेश दे दिए हैं। बड़ी बात ये है कि ध्वस्तीकरण अभी केवल बेकरी का हुआ था, अब इस कॉम्प्लेक्स के भी 1/3 पोर्शन का जो ध्वस्तीकरण है वो होना है, इसको लेकर यहाँ पर तमाम चीजें की गई हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पर जो है सरकारी बैंक है, क्योंकि इसको भी कल नोटिस दिया गया है, एकदम से नहीं हटा सकते हैं, कई इसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो बैंक वालों को भी अपना समय से रहते खाली करना पड़ेगा। अब आप अगली तस्वीर यहाँ पर देखिए, जहाँ पर जो तमाम दुकानदार हैं वो अपना सामान यहाँ से ले जा रहे हैं, लोड कर रहे हैं इस छोटी मिनी ट्रक में। ये देखिए यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर लोड हो चुका है, इनकी तमाम लोगों की दुकानें थी, और अब ये सारे जो इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की दुकानें रही होंगी, रिपेयरिंग की दुकानें रही होंगी, और उन सबको यहाँ पर खाली किया जा रहा है। समर्थ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ भी चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। समर्थ, अब किस तरीके की और एक्शन की तैयारी योगी सरकार की? देखिए सरकार इस पूरे मामलात को लेकर बहुत गंभीर है, और यही रीजन है कि बैक टू बैक जो एक्शन आप देख रहे हैं वो हो रहा है। कल क्या हुआ, कल बेकरी का ध्वस्तीकरण किया गया, उसके एक हिस्से का जहां पर स्टोर था, यानी कि जहां पर उसका सामान वगैरह इत्यादि बनाया जाता था। अब बारी उस कॉम्प्लेक्स की है जिसका 1/3 पोर्शन जो है वो बताया जा रहा है कि अवैध है, और उसी में बेकरी का आगे का हिस्सा है जो मोहित खान की बेकरी है, उसके अलावा उसमें तमाम और दुकानें भी है जो आप इस रिपोर्ट पे देख रहे थे। इसके अलावा इस पर तो बुलडोजर कल से परसों में चलने के पूरे चांसेस है। इसके अलावा जो एसडीएम
डीएम है अयोध्या के, वो उसी इलाके के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जहां जहां अवैध संपत्ति यानी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से जहां भी मकान बने हैं या कोई इमारत बनी है उसको नोटिस चस्पा कर रहे हैं और पूरी मैपिंग पूरे एरिया की कर रहे हैं। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक नाबालिग मासूम सी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान का नाम इसमें आया है और उसको अरेस्ट किया गया। साथ में राजू खान जो उसी बेकरी में काम करता है, 20 वर्षीय लड़का है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। मां ये कह रही है, दावा कर रही है कि जान खतरे में है और पुलिस से सिक्योरिटी मांग रही है। जब बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल मिलने आता है तो मां, जो पीड़िता की मां है, वो साथ कहती है हमारी जान को खतरा है, हमें धमकियां मिल रही हैं। इस बीच में जब वो आज तक से बात करती है तो वो ये तक कहती है कि सपा नेता ने उन्हें कुछ पैसे देकर मामले को रफा दफा करने के लिए भी कहा। लेकिन एक पक्ष मोहित खान का भी है जहां उसका परिवार है और वो ये कहता है कि मोहित खान निर्दोष है और अरेस्ट किया ही नहीं गया था, वो तो खुद थाने में गए जब पुलिस स्टेशन से उन्हें फोन आया था। अब तमाम मामले हैं, तमाम पक्ष हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब देखना यह है पूरी तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है वो क्या निकलती है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था, विधानसभा में कहा था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फिलहाल कार्रवाई अर्पिता उसी डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी कार्रवाई भी हो रही है और उसको लेकर सियासत भी खूब चल रही है।